हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित अतुड़ी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए देखने वाले हैं केमिस्ट्री के एक और फंडामेंटल लॉ को, जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। देखिए, जिन लॉज पर हम आजकल चर्चा कर रहे हैं वो लॉज बेसिकली कहे जाते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। क्या कहे जाते हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, यानी कि केमिकल्स के कॉम्बिनेशंस के लॉ, यानी केमिकल्स किस तरीके से आपस में कंबाइन होते हैं, इसके ऊपर जो बेसिक फंडामेंटल लॉज हैं हम उनको देख रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और आज हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जैसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या कहें लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस। देखिए, ये लॉ बेसिकली हमें ये बताता है कि एलिमेंट्स किस तरीके से कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं, एलिमेंट्स किस तरीके से कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं, ये हमें बताता है ये लॉ। और चलिए देखते हैं, ये लॉ दिया था प्रोस्ट ने 1794 में। इसमें उन्होंने हमें बात बताई कि एलिमेंट्स जो होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं एक दूसरे से। आपको ये बात पता है कि केमिकल रिएक्शन में कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और कुछ होते हैं प्रोडक्ट्स जिनको हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो जो रिएक्टेंट्स हैं, है ना, जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें बात की जा रही है कि एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट्स रिएक्शन करें, अगर एलिमेंट्स रिएक्शन हमारे पास, एलिमेंट्स हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स जब रिएक्ट करके हमें कंपाउंड्स देंगे, प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट, रिएक्शन का प्रोडक्ट एज अ कंपाउंड देंगे, तो वो कंपाउंड किस तरीके का होगा, ये इस बात को ये लॉ समझाने की कोशिश कर रहा है। तो ये कह रहा है कि एलिमेंट जो होंगे वो हमेशा कंबाइंड होंगे एक फिक्स सिंपल होल नंबर रेशियो में, एक फिक्स रेशियो में, बाय मास, बाय मास हमेशा फिक्स रेशियो में एलिमेंट्स कंबाइंड होंगे, और इस तरीके से कंबाइंड होकर वो बनाएंगे हमारे पास केमिकल कंपाउंड। जो केमिकल कंपाउंड होगा वो हमेशा बनेगा एक फिक्स रेशियो ऑफ रिएक्टेंट से, बाय मास, है ना। इसे हम और समझ सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल लें तो अगर मेरे पास एक केमिकल कंपाउंड है जिसे मैं कह रहा हूँ वाटर, आप परिचित होंगे इस कंपाउंड से, है ना, वाटर से परिचित होंगे निश्चित रूप से, ठीक है। तो वाटर में अगर मैं बात करूँ इसके कंपोजिशन की, तो मुझे पता है कि वाटर जो कंपाउंड है वो बना है हाइड्रोजन एलिमेंट से और ऑक्सीजन एलिमेंट से। आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन एलिमेंट है और यहाँ पर O रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन एलिमेंट को। तो हाइड्रोजन एलिमेंट का जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपाउंड में वाटर में जो बाय मास का रेशियो है वो मुझे दिख रहा है यहाँ पर है 2:16, जैसे कहें 1:8। तो ये लॉ बेसिकली करता है, कहता है कि आपको जब भी वाटर का वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, वाटर कंपाउंड मिलेगा, तो उसमें आपको इसके एलिमेंट्स जो हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उनका बायोमास रेशियो हमेशा फिक्स मिलेगा 1:8। ये रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा, किसी भी तरीके से चेंज नहीं होगा। अगर आपके पास वाटर है तो उसमें बायोमास रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमेशा 1:8 रहेगा। इसीलिए इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कि एक फिक्स प्रोपोर्शन में, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही एलिमेंट्स कंबाइन कर कंपाउंड बनाएंगे। और इसलिए हम इसे कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी कि एक कंपाउंड की जो कंपोजिशन है, जो संरचना है, जो कंपोजिशन है एक कंपाउंड की, वो कांस्टेंट है, वो नहीं बदलेगी, ध्यान दीजिएगा, नहीं बदलेगी किसी तरीके से नहीं। लॉ कह रहा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ द प्रिपरेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, आपने वाटर को नदी से लिया है, तालाब से लिया है, कुएं से लिया है, आपने किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस किया है, आपने प्लांट्स जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर को रिलीज करते हैं आपने वहाँ से वाटर लिया है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास एक केमिकल कंपाउंड है जिसे आप वाटर कह रहे हो, तो उसमें बाय मास रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट का हमेशा होगा फिक्स, वो होगा 1:8। ये कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ गए आप इस बात को? बहुत ही बेसिक लॉ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंपाउंड की कंपोजिशन हमेशा रहेगी फिक्स, बाय मास, फिक्स रेशियो में एलिमेंट्स कंबाइन होकर बनाते हैं कंपाउंड्स, है ना।
है ना, काफ़ी मैंने जोर देके समझा दिया इस बात को। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस तरीके से आप कंपाउंड समझ सकते हैं। कंपाउंड क्या हुए, कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस है, ध्यान रखिएगा कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है, दो एलिमेंट से मिलकर बने हैं, हालांकि उसके बावजूद प्योर सब्सटेंस हैं, है ना। तो कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस है जो दो या दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। और कैसे मिले बने होते हैं, ऐसे रैंडमली नहीं, नहीं, कंपाउंड्स कभी भी रैंडमली नहीं बनते। अगर आप कंपाउंड को डिफाइन कर रहे हो तो आपको ये बताना जरूरी है कि वो एक से दो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, वो भी फिक्स प्रपोर्शन बाय मास में मिलकर बने होते हैं। इनको हम कहते हैं केमिकल कंपाउंड्स, या सिंपली केमिस्ट्री में जो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल कंपाउंड लोग कहना प्रेफर नहीं करते, तो सिंपली इनको कंपाउंड भी कहा जाता है। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का सफ़र पसंद आया होगा, हमने लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन को समझने का प्रयास किया। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, और आप हमसे कमेंट में बता सकते हैं कि हम आप किस भी टॉपिक में चाहते हैं कि हम आपकी सहायता करें, किस टॉपिक में हम चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं। और निश्चित रूप से आपसे वादा करते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि हम उन टॉपिक्स को आपके लिए कर दें आसान, ताकि आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को सीख जाएँ और जीवन में आगे बढ़ पाएँ। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आज के जुड़ने के लिए।